तो हेलो दोस्तों, कैसे सभी? आई होप के अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यमुना का जो वाटर लेवल है वो कितना है, और यमुना का जो पानी है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, और क्या यमुना में पानी कम हुआ है या पहले से ज़्यादा। तो अभी देखिए, मैं हूँ यमुना किनारे और ये है यमुना किनारा रोड, और सामने अम्बेडकर ब्रिज, और यहाँ पर देखेंगे आप तो यमुना का जो वाटर लेवल है वो डाउन हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं किनारे सूख रहे हैं और यमुना का पानी है वो किनारे से दूर जा रहा है। तो देखिए, किनारे से दूर जा रहा है पानी, यहाँ पर गंदगी भी आपको नजर आ रही है। और बाकी आप देखेंगे यमुना का जो बहाव है वो भी अभी तेज है काफी, और जो पिलर है वो भी अभी डूब रहे हैं। तो इसका जो पानी अभी है थोड़ा मटमैला टाइप का पानी आ रहा है यहाँ पर। और बाकी आप देखेंगे यहाँ से तो सीधा अपना ये यमुना किनारा, और सामने आप देखेंगे वहां पर ये एतमादौला है और ये गोलचक्कर। और यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि यमुना का जो वाटर लेवल है वो घटा है 2-3 दिन में। आपको यहाँ पर जमीन दिख रही है, और 2 दिन पहले अगर देखेंगे आप तो वहाँ पर काफी ज्यादा पानी था, वाटर लेवल बहुत ही हाई था यमुना का। तो इस बार पानी है वो कम हो चुका है, और यहाँ से आप नजर मारेंगे एक बार अगर पूरे यमुना के दूसरे छोर पर, तो वहाँ पर ही आप देखेंगे यमुना का जो पानी का जो लेवल है वो भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि बरसात जा चुकी है। हो सकता है मौसम आए फिर से बारिश हो तो यमुना का पानी बढ़े, लेकिन अभी फिलहाल में तो पानी घटा ही है। और अगर सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर ताजमहल दिख रहा है, तो आप जानते ही हैं ताजमहल किनारे है, ताजमहल के किनारे पर यमुना है। तो वहाँ पर अगर यमुना में पानी बढ़ा तो ताजमहल को खतरा रहता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि उसमें अभी आपने सुना होगा ट्रेंडिंग में चल रहा है काफ़ी कि उसमें दरार पड़ गई है ताजमहल पे, लेकिन वो यमुना का पानी की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि बाढ़ हर साल यमुना का जो वाटर लेवल बढ़ता ही जाता है। तो देखिए आप, बाकी अगर यमुना की हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं यमुना का जो क्लियर व्यू आपको नजर आ रहा है, और सामने हमारे आप देखेंगे तो वो सामने स्टैची ब्रिज है, और इसके जो पिलर हैं वो अब थोड़ा ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि यमुना का पानी कम हुआ है तो पिलर भी अब खुल गए हैं, क्योंकि वो भी डूब चुके थे आधे। और सामने देखेंगे यहाँ पर तो गंदगी सी नजर आ रही है, जो यमुना का किनारा ही है बिल्कुल, और पानी नीचे उतरने से आपको ये साफ साफ गंदगी दिख रही है। अगर आप मेरे 3-4 दिन पहले की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर ये गंदगी नहीं थी। तो इस बार यहाँ पर यमुना की जो वाटर के जो लेवल है वो बहुत ही डाउन हो चुका है, और पिछले साल के मुकाबले बहुत ही यहाँ पर कम है। तो अगर आप डेली यमुना की अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले, यमुना की अपडेट मिलती रहे। तो बने रहे हमारे चैनल में, ब्लॉग्स बाय एजेंट में, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।